नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में बात करेंगे क्वाड इस टॉपिक पर, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन होस्ट करेंगे जो पहली वार्ता होने वाली है, पहली बैठक होने वाली है क्वाड कंट्रीज की इस बैठक को, और ये बैठक होने वाली है दोस्तों 24 सितंबर को। इस बैठक के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा ये उपस्थित रहने वाले हैं। इस बैठक का क्या एजेंडा होगा, इस एजेंडे पर भी बात कही गई है व्हाइट हाउस के द्वारा। इसमें कहा गया है कि ये जो लीडर्स है क्वाड के जो लीडर्स है, ये स्पेशली फोकस करेंगे COVID-19 क्राइसिस पर, क्लाइमेट चेंज पर, साइबर स्पेस पर और सिक्योरिटी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, इस पर, इन इश्यूज पर इस मीटिंग में फोकस किया जाएगा, ऐसा व्हाइट हाउस ने कहा है। अब क्वाड के फॉर्मेशन पे बात करते हैं। देखिए जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी, सुनामी के बाद जो एक आपदा थी, एक नेचुरल डिजास्टर था अगर सुनामी की हम बात करें तो, इस आपदा के बाद दोस्तों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन्होंने मिलकर एक दूसरे, इन्होंने इस आपदा से लड़ने के लिए, इस आपदा से निपटने के लिए एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का सहयोग किया, एक तरह का अनौपचारिक गठबंधन उस समय हमें इस आपदा के बाद इन देशों के बीच में देखने को मिला। 2007 में उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने एक इस अलायंस को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में देखा और उसे उन्होंने क्वाड का नाम दिया। अब देखिए क्वाड को उस समय एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से देखा जा रहा था, बट क्वाड कंट्रीज के बीच में जो कोहिजन होता है या जो सामंजस्य होता है, ये सामंजस्य नहीं रह पाया और एक तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ एक एंटी चाइना ब्लॉक के रूप में ही देखा गया, इससे आगे ये नहीं बढ़ा। 2017 में चाइना के बढ़ते खतरे को देखते हुए क्वाड को फिर से पुनर्जीवित किया गया और इसके जो देश थे, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इसे और ब्रॉड किया गया और एक ऐसे मैकेनिज्म को बनाने की बात कही गई जो मैकेनिज्म एक तरीके से रूल बेस्ड, जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, इसे स्थापित करेगा या इसे मजबूत करेगा, इस उद्देश्य से ये लोग साथ आए। देखिए फिर भी ये इतना सब होने के बाद भी क्वाड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्मली तैयार नहीं हो पाई, या एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह की इसकी बॉडी होती है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, एक सेक्रेटरेट होता है, इसका एक अपना हेडक्वार्टर होता है, ये सब चीजें क्वाड के आगे नहीं बढ़ पाए। यूरोपीय संघ या संयुक्त राष्ट्र की तर्ज पर नीति बनाने के बजाय क्वाड ने क्वाड सदस्यों देशों के बीच में मौजूदा समझौतों का विस्तार करने और उनको साझा मूल्यों को उजागर करने पर ही ध्यान केंद्रित किया गया। यहां पर कहा गया है कि देखिए जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड नेशन काम करता है, ये जिस तरह से एक पॉलिसी को क्रिएट करता है, उस तरीके से क्वाड का काम नहीं देखा गया अब तक। क्वाड ने फोकस किया है जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं इनके बीच में, इसे मजबूत किया जा सके, इसके जो मेंबर्स हैं इनके बीच में, और जो शेयर्ड वैल्यूज होती है इसे ही इस क्वाड बनने के बाद, या क्वाड बनने की बात कहने के बाद, ये फॉर्मलाइज होने के बाद इन्हीं इश्यूज पे फोकस किया गया। दोस्तों जिस तरह का नाटो है, नाटो के जो मेंबर्स है, इनमें एक तरीके का कलेक्टिव डिफेंस है, इस कलेक्टिव डिफेंस से जुड़ा हुआ प्रोविजन है, बट क्वाड में अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं है। हाँ, क्वाड के जो नेशन है, कंट्रीज है, इनके बीच में एक जो युद्ध अभ्यास होता है, ये युद्ध अभ्यास हुआ है, ट्रायलैटरल इंडिया यूएस जापान मलाबार नवाल एक्सरसाइज होती है दोस्तों, इसे एक्सपांड किया गया और इसमें इंक्लूड कर लिया गया ऑस्ट्रेलिया को भी, और एक तरीके से क्वाड की एक रिसर्जेंस के रूप में या क्वाड के एक्सरसाइज के रूप में इसे देखा गया। यह पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें चार देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मार्च 2021 को क्वाड्स के लीडर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया, एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया। इस स्टेटमेंट का नाम था, या जिस नाम से यह स्टेटमेंट रिलीज हुआ, यह था स्पिरिट ऑफ द क्वाड। इसमें दोस्तों कुछ बातों को फोकस किया गया या कुछ ऑब्जेक्टिव्स पर बात की गई।
राइट अब देखिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है जो द स्प्रिट ऑफ कॉड है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर कहे गए। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी का, कोविड 19 क्राइसिस से निपटने का, और स्पेशली जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है इसका, और एड्रेसिंग द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रीजन एंड बूस्टिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो दोस्तों जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है इसे बूस्ट किया जा सके, एक तरीके का इकोसिस्टम, इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम इस रीजन में क्रिएट किया जा सके, ऐसे इश्यूज को यहां पर ऑब्जेक्टिव के रूप में देखा गया। जो कॉर्ड के मेंबर है इन्होंने एक तरीके से इस बात को भी इंडिकेट किया है या ऐसा इशारा दिया है कि आने वाले समय में कॉर्ड प्लस के रूप में भी ऑर्गेनाइजेशन देखी जा सकती है, बिकॉज इसमें जो दूसरी कंट्रीज है लाइक साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड वियतनाम, इन कंट्रीज को भी शामिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं चीन की। देखिए चीन ने शुरू से ही इस इनिशियली जब मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा था तब से इसे एक तरह से विरोध किया है, अपोज किया है, राइट। बीजिंग का तब से लेकर आज तक जो स्टैंड रहा है, पोजीशन रहा है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 2018 में दोस्तों चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि कॉर्ड सिर्फ एक तरीके से जो हेडलाइन होती है इसे ग्रैब करने का ही आइडिया है। इनके ओर से एक स्टेटमेंट इशू किया गया था इस साल भी जिसमें कहा गया है कि ये एक तरीके से एशिया में जो कुछ है, एशिया में जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है इसे और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या बाहरी ताकतों के द्वारा। इन 2018 द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री रेफर टू कॉड एज अ हेडलाइन ग्रैबिंग आइडिया एंड आफ्टर द जॉइंट स्टेटमेंट वॉज इशूड अर्लियर दिस ईयर द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री अक्यूज द ग्रुप ऑफ ओपनली इंसिस्टिंग discord among regional power in Asia. Beijing sees the existence of the Quad as a part of large strategy to encircle China and pressurize countries like Bangladesh to avoid cooperating with the group. देखिए बीजिंग एक तरह से Quad को किस रूप में देखता है, तो बीजिंग Quad को एक ऐसी रणनीति के हिस्से के रूप में देखता है जो कि बीजिंग के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने का प्रयास है, और इसीलिए बीजिंग जो दूसरे देश है इन पर भी एक तरह का प्रेशर बना रहा है कि वो इस ग्रुप के साथ को ऑपरेट ना करे। यहां पर एग्जांपल कहा गया है बांग्लादेश का, राइट। अब यूएस और चाइना के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए यूएस और चाइना का रिलेशन किस तरीके से है इसका तो आइडिया आपको होगा ही। दोनों के बीच में कंपटीशन है, एक तरह से चाइना चैलेंज कर रहा है, चाइना टक्कर देने की कोशिश कर रहा है यूएस की हेजेमनी को, या यूएस का जो एक तरफा दबदबा था दुनिया में उसे टक्कर देने का प्रयास कर रहा है चाइना, और इससे यूएस चिंतित भी है। जापान और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चाइना के बढ़ते हुए ताकत से, चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव से ये लोग भी चिंतित है, ये लोग भी डरे हुए हैं, और स्पेशली चाइना का जो प्रेजेंस है साउथ और ईस्ट चाइना सी में, इस वजह से भी। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो देखिए बीजिंग के साथ या चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन कैसे है। दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फॉरेन इंटरफेरेंस लॉ पास किया गया उसके बाद से ही इनके जो रिलेशन है ये काफी लो स्तर पर है, अभी उतने पहले जैसे नहीं रहे हैं, काफी निचले स्तर पर जा चुके हैं। निचले स्तर का यहां पर अर्थ ये है कि ये खराब हो चुके हैं, राइट। और चाइना ने भी दोस्तों इन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फॉरेन इंटरफेरेंस लॉ को पास किया गया था 2018 में, इसका उत्तर दिया था रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड टू कैनबेरा से, राइट, एज द ओनली कॉट कंट्री टू शेयर लैंड बॉर्डर विद चाइना। आप देखिए यहां पर आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो दूसरे देश है जो कि कॉट का हिस्सा है लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये दोस्तों चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, या किसी भी तरह से चाइना इनका डायरेक्टली नेबर नहीं है जैसा हमारे साथ है। कहा जाता है कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो, आप अपने दोस्त बदल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान हमारे दोस्त हैं, हम इन्हें ऐसे ऐसे इस रूप में देखते हैं, बट आप आपके नेबर नहीं बदल सकते। हम इनसे दोस्ती कम ज्यादा हमारी हो सकती है बट हम चाइना को एज ए नेबर के रूप में चेंज नहीं कर सकते, चाइना हमारा नेबर रहने वाला है। तो इंडिया जिस तरीके से चीजें बदल रही है या कॉड में जो कुछ भी हो रहा है इससे क्या कैसा प्रभाव इस रीजन में क्रिएट हो रहा है सब पर नजर बनाए हुए है, यहां पर ये कहा गया है। अब देखिए कॉट को एक तरह से एंटी चाइना के रूप में देखा जाता है, बट
यहाँ पर दोस्तों कॉट की जो शिखर कॉट की जो वार्ता होने वाली है या जो चर्चा होने वाली है, इसमें जो ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, इसमें किसी भी तरीके से चाइना या मिलिट्री सिक्योरिटी का जिक्र नहीं है। ये पूरी तरह से हम ये कहेंगे कि जो एक्सपर्ट्स है ये इन पे छोड़ा गया है कि वो स्पेक्यूलेट करे कि कॉट किस तरीके से चीजों को एड्रेस कर सकता है आने वाले समय में चाइना से संबंधित, राइट। यहाँ पर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की बात की गई है, इस पर फोकस किया गया है। कॉट्स डिसीजन टू एस्टैब्लिश वर्किंग ग्रुप ऑन वैक्सीन डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कैन देन बी व्यूड एज अटेम्प्ट टू कंस्ट्रेन चाइना, बट मोर इंपॉर्टेंटली टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव ब्लू प्रिंट दैट विल इनकरेज अदर स्टेट टू वर्क विद कॉट। वैक्सीन विकास और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक पर कार्य समूह की स्थापना के कॉट के निर्णय को तब चीन को बाधित करने के प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लोकतांत्रिक समावेशी खाका तैयार करना जो अन्य राज्यों को कॉट के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, राइट। इस पर दोस्तों कॉट का ज्यादा फोकस रहेगा कि बिकॉज किस तरीके से डेमोक्रेटिकली ये लोग ऐसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, जिसका हिस्सा दुनिया के दूसरी कंट्रीज भी बन सके या इसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने देखा कि कॉट क्या है और कॉट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स इस वीडियो में आपको बताए गए। अब देखिए 24 सितंबर को मीटिंग होने वाली है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी यूएस जाने वाले हैं। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए और भी आर्टिकल्स आएंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अगर रहे तो उस पर हम जरूर वीडियो आपके लिए बनाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।